हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को ब्लाउज की बाजू की कटिंग बताने वाली हूँ, जो कि डिजाइनर बाजू है हमारी। ये देखिए, डिजाइनर ब्लाउज है पूरा, आगे का पीछे का सारे तरफ इसमें डिजाइन है। तो आज मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी कि हमें, अगर हमारी डिजाइनर स्लीव हो तो हमें कैसे कटिंग करनी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और देखिए, चलिए मैंने स्टार्ट कर दी है वीडियो। तो देखिए, हमें ऐसे करके एक उल्टा और एक सीधी बाजू को सेट करके बिछा लेना है अच्छे से, डिजाइन को उतरा ऊपर रखते हुए, ताकि जो डिजाइन है इधर उधर ना हो। और ऊपर से मैंने पिन से सेट कर दिया है, ताकि जो डिजाइन है इधर उधर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर इधर उधर कट गई तो मतलब शेप अच्छी नहीं लगेगी ब्लाउज की। इसीलिए मैंने पहले सेट कर दिया है ब्लाउज को, जो बाजू है हमारी हेयर पिन से। तो देखिए, अब मैं डबल करके भी ऐसे ही सेट कर दूँगी इसको, ताकि अच्छे से इसकी कटिंग हो सके, कोई भी दिक्कत ना हो कटिंग करने में। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना कि कैसे क्या होना है, और कुछ भी समझ में ना आए तो पार्ट। तो देखिए, मैंने स्लिप के लिए हमें चाहिए केवल लंबाई और चौड़ाई चाहिए, और आर्मोल चाहिए। तो देखिए, लंबाई ली हुई है 10.5, चौड़ाई ली हुई है 10 इंच, और आर्मोल लिया हुआ है 16 इंच। तो हमें स्लीव काटने के लिए केवल 3 नाप की ज़रूरत होती है, और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, लंबाई हमारी 10.5 इंच है, तो मैं यहाँ से हमारा बॉर्डर आ रहा है, देखिए, तो 1/2 इंच इधर ले लूँगी, क्योंकि सिलाई में जाएगा 1/2 इंच, तो फिर हमारा बॉर्डर आ जाएगा तो सिलाई में चला जाएगा, नहीं तो 1/2 इंच हमें इधर से लेना है। और देखिए, इधर भी हमारा जो बॉर्डर है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ से 1/2 इंच इधर से निशान लगा लेती हूँ, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, इसलिए केवल 1/2 इंच का फ़र्क पड़ रहा है। आप देख सकते हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि 10.5 है तो 11.5 इंच तो वैसे भी लेनी पड़ेगी, तो 12 इंच आ रही है। तो अब देखिए, 5 इंच की हमारी जो मोहरी है, 10 इंच की, वो हमने निशान लगा दिया है, और 3.5 इंच पर हमें इधर से निशान लगाना है। और ये देखिए, ये मैंने जो लंबाई है उसका निशान लगाया, और ये 3.5 इंच का, देखिए इधर से निशान लिया है, तो 3.5 का इधर से ले लूँगी, और सीधे इसको हम मार्क लगा देंगे अच्छे से। तो अब देखिए, यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा आसान है स्लीव की कटिंग करना। ये थोड़ी लॉन्ग स्लीव है, तो मैंने सोचा वीडियो अलग से बना दूँ, आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, हमारा आर्म होल है 16 इंच, तो हमने 8 इंच पर ऐसे निशान लगाना होता है, आपको पता होगा, और नहीं पता हो तो आप देख सकते हो। तो देखिए, ऐसे हमने ये इस मार्क से उस मार्क तक मिला दिया है, और 2 इंच का हमने मार्जिन लेते हुए ऐसे शेप दे दी है। देखिए, राउंड शेप में हम शेप दे देंगे अच्छे से, और ये थोड़ा सा हमें तिरछा ऐसे ही निकालना होता है। और देखिए, 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेते हुए ऐसे निशान लगा दिया है। तो ये हमारी स्लिप की कटिंग हो चुकी है। अभी आगे का पार्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे हमें कट करना होता है, क्या करना होता है। तो वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई इतनी भी ज़्यादा कठिन नहीं है जितनी समझो आप। तो देखिए, मैंने स्लिप कटिंग कर ली है, तो अब जो यहाँ से हम ऐसे मार्क करके वो लगा देंगे कट, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो स्लीव है कहाँ से है, कहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इसीलिए तो देखिए, अब मैंने इसको कर लिया है सेट, और आलपेंट जो लग रही थी उनको निकाल दिया। अब देखिए, बीच में भी मैं एक मार्क लगा दूंगी, ताकि हमें बीच का पता चल सके कि कहाँ पर है मिडिल पार्ट। तो देखिए, आगे के पार्ट में हमें ऐसे 1/2 इंच करीब का ऐसे निशान लगाते हुए और ये कट कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है, 1/2 इंच ही करना है। तो अब देखिए, ये कटिंग हो चुकी है, तो अब मैं इधर से भी बीच का पार्ट में निशान लगा देती हूँ अच्छे से, ताकि हमें पता चल सके कहाँ है। तो देखिए, 1/2 इंच का हमें अलग से पता चल रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं।